गोरखपुर से 12 किलोमीटर दूर कश्मीर के इस घनघोर जंगल में एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर है जिसकी कहानी बेहद ही रहस्यमयी और काफी दिलचस्प है। जी हाँ, इसको बुढ़िया माता का स्थान कहा जाता है और लोगों की मान्यताएं ये है कि इस माँ के मंदिर में जो भी सच्चे मन से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, माँ उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आज नवरात्रि का पहला दिवस है, पहला दिन है और कहा जाता है शैलपुत्री का पूजा आज किया जाता है। इसके मद्देनजर इस माँ के मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही कतार लगाए हुए हैं। इस मंदिर में तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो लोकल के हैं, गोरखपुर के हैं, और तमाम ऐसे हैं जो देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर समेत तमाम अन्य जनपदों से भी आते हैं। हम बातचीत करेंगे। माँ के इस मंदिर में आया है, क्या श्रद्धा है आपका? पहले तो माता जी को सादर प्रणाम है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माता की महिमा अपरंपार है। यहाँ जो भी सच्चे मन से अपनी श्रद्धा लेकर जो कुछ भी मांग अपनी अपनी माता जी के सामने रखता है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। हम लोग, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अखिलेश शुक्ला है, मैं महाराजगंज से परिंदा से आया हूँ। कितने उत्साहित हैं आप लोग, क्योंकि पहला दिन है आज, कितना उत्साह है आप लोगों के मन में? हम लोग के अंदर पूर्ण उत्साह है, पूरे उत्साह से हम लोग भरे हैं और हम लोग माता से यही विनती करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सबका विकास होता रहे। ठीक, ये गोरखपुर है और मुख्यमंत्री का शहर है, कितना विकास हुआ है पूर्व में और अब में, कितना विकास हुआ इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेकर थोड़ा कहना तो मुश्किल है, बाकी अन्य जगहों पर बहुत अच्छा विकास हुआ है। मैं सरकार से भी यह आग्रह करता हूँ, सामने आप रामगढ़ ताल, सॉरी जो ताल देख रहे हैं, यह पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है और यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं स्वच्छता पर सरकार को ध्यान देना चाहिए इस संदर्भ में। नवरात्रि का पहला दिन है और मन में क्या चल रहा है, कितने उत्साहित हैं आप लोग दर्शन को लेकर? माता जी के दर्शन के लिए आया गया है। कितने उत्साहित हैं पहले दिन में? उत्साह की कोई सीमा नहीं है, मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ जो आता है? बिल्कुल पूरी होती है। कहाँ से आए हैं आप, कितने दिनों से आते हैं यहाँ? हम यही गोरखपुर शहर से ही आए हैं। कब से इस मंदिर पे आते हैं? जब से वो संभाले तब से आते हैं। क्या मनोकामनाएं पूरा होती है यहाँ? बिल्कुल सर, मन में क्या चल रहा है आप लोगों को? मन में माता जी के प्रति श्रद्धा है, उसी लिए आए हैं। कितना उत्साह है क्योंकि आज पहला दिवस है नवरात्रि का, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। एक दिन में कितने लोग आए होंगे अब तक माँ के दर्शन के लिए? अभी तो हजारों लोग आ चुके हैं, अभी पीछे भी लाइन है पूरा। ठीक है, आप युवा हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर के रहने वाले हैं। अभी ये ऐतिहासिक नाला बोला जाता है, यहीं से उत्पत्ति हुई माता जी का, इस नाले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा लापरवाही हुआ है, गंदगी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए सर, गवर्नमेंट को। ठीक, बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेम कुमार है। ठीक, कब से आते हैं इस माँ के मंदिर में? हम लोग करीब करीब 30 साल। क्या है मन में, क्या चल रहा है? मन माता का विश्वास है, श्रद्धा है। ठीक, कितने दूर दूर से लोग आते हैं इस माता जी के मंदिर? काफी दूर दूर से लोग आते हैं। बताया जाता है यही वो नाला है और इसी पे लकड़ी का पुल जो है धसा था, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद माता जी की उत्पत्ति हुई थी। कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई थी। माता जी की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद से ही कहा जाता है कि रात को इस मंदिर पे कोई रुकता नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों है? भाई, माता जी दर्शन निकलती है अपने। क्या कहना चाहेंगे, रात के समय में यहाँ कोई निकलता रहता नहीं है, कोई भी इंसान नहीं रहता, आखिर क्यों ऐसा होता है? आस्था है, हम तो आस्था में आते हैं भाई, ये आस्था में आते हैं। हमारे साथ एक है, कहा जाता है कि इस मंदिर पे रात के समय एक भी इंसान नहीं ठहरते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये सुनने में आया है कि बहुत पहले यहाँ दुर्घटना हुई थी, उसके बाद माता जी ने यहाँ के महंत को एक सपना दिया था और वो तब से यहाँ रात में कोई नहीं रहता है, जैसा कि लोग यहाँ के अगल बगल के लोग बताते हैं। तो हमारे साथ ये श्रद्धालु थे और जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि माता जी की उत्पत्ति होने के बाद से ही जितने भी श्रद्धालु इस माँ के प्रांगण में, माँ के इस मंदिर पे सच्चे मन से भक्ति करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके सभी मनोकामनाओं को बुढ़िया वाली माता पूरा करती हैं।